हमारा नाम सर्वेश जनसेवा है। पहले हमारा नाम सर्वेश कुमार था। हम गांव में पले हैं, गांव में बड़े हैं। गांव के लोगों के स्नेह की वजह से हमने पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई की है। आज छोटे मोटे काम हम गांव के करते रहते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को नॉलेज नहीं होता है। कहीं पेंशन बनाना है, लाइट के लिए लाना है। इस गांव में जो लाइट आई है, इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया था। बी काम तक हमने शिक्षा ग्रहण की है और समाज सेवा करने की वजह से छोटे मोटे काम समाज सेवा के करते रहते थे। इसकी वजह से लोगों ने हमारा नाम जनसेवा डाल दिया। ये जो नाम दिया गया है, ये समाज की तरफ से दिया गया है। आज सबसे बड़ी समस्या अगर है तो बेरोजगारी की समस्या है। अगर मुझे जनता ने, हमारे युवाओं ने अगर मुझे MP बनाया, तो सर्वप्रथम मेरी प्राथमिकता होगी हमारे ज़िले में 4 चीनी मिल लगे। चारों चीनी मिले में हमारे ज़िले के लड़कों को नहीं लगाया गया है। मैं पूरी तरीके से कटिबद्ध हूँ, जिस दिन हम सांसद बने मैं 30% का कोटा मांगूंगा, क्योंकि सारी समस्याएं हम झेलते हैं। गन्ना यहाँ का पेरा जाता है, सड़क यहाँ की खराब होती है, लोग ट्रक लौट जाते हैं, मरते हमारे यहाँ के लोग, जाम हम झेलते हैं, लेकिन लड़के सब बाहर के आजमगढ़ बलिया गोंडा बहराइच और दिल्ली वाले मौज मारते हैं। मेरा पहला पॉइंट होगा, हम सांसद बनते ही अगला पेराई का सत्र जब शुरू होगा, जब हमारे युवाओं को 30% का कोटा दिया जाएगा। देखिए, बिजली सड़क विकास की प्रथम आधारशिला है। अगर बिजली और सड़क नहीं है तो उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। किसी गांव से अगर डामर रोड निकल जाती है तो उस गांव में दुकानें बन जाती हैं। तो हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी कि सांसद बनने के 3 साल के अंदर सभी गांवों को मैं डामरीकरण कराऊँगा, सभी गाँवों के अंदर लाइट पहुँचाऊँगा। अगर बिजली और सड़क बन गई तो हमारे यहाँ उद्योग लग जाएंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सभी लोगों को रोजगार। नारी सशक्तिकरण के लिए सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ाना पड़ेगा। जब तक शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं बढ़ेगा, तब तक नारी सशक्तिकरण होना संभव नहीं है। नारी जब शिक्षित होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो हम केंद्र सरकार से हर विभाग में 50% कोटा दिलाने के लिए प्रयास करूँगी। हमारी मैं सर्वप्रथम पहली कार्य योजना है युवाओं को रोजगार दिलाना और सड़कों का निर्माण कराना, और जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है हमारे कार्यालय में, कर्मचारियों में, उनको शुद्ध करना ही हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी, ताकि भ्रष्टाचार की भेंट हमारे गरीब आदमी न चढ़ सके।